पास शनिवार भी पड़ोस है, कहते हैं शनि पड़ोस के दिन आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, अंतर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया, ये चार स्थान पर दिया खाना प्रारंभ करो। बाबा इशारा कर गई, बस शनिवार भी अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं, ये शनिवार की प्रदोष और सुख और शांति देती है। प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लिए, किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा, तेल चढ़ते समय संदर्भ शिवलिंग पर त्रिकुंड बना दिया और अपनी मनोकामना पूर्ण कर, और जितने तरह नष्ट देने वाले हैं वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ, शनि महाराज जीवन का सुख फलान। यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए प्रदोष के दिन, यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, चार प्रदोष पांच प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या भरी विकट आ गई है, कोई तकलीफ कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जा, अपने घर में जश्मी चाहे वो स्थातिक का हो, पादक का हो, कंकर संकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मोर होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं, उस 9:15 पर उस शमी पत्र को उठाकर एक कागज में कटोरी में उसको रखते हैं, चार या पांच प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा और रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान हो, अगर कोई गोल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल ना तो हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े तपरा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बिल पत्र, बन सके पांच दिन पत्र, शमी पत्र हरे मूंग कलश के अंदर थोड़ा सा पानी देकर एक बेल पत्र हरा मूंग शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत और बल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रियल ताने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में प्रदोष के समय वो जल मूंग शमी पत्र और बेल पत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, एक की तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए आपको प्रथम तथा में भी वर्णन किया है कि जब अपना बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, एक काली नरची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली नरची दरवाजे की चौखट पर लखना है, अपना उरीटा पांव रखकर घर से निकल जाना है, उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसकी चिंता वो जरूर रहेगा। शमी का जो पत्ता होता है, शमी का जो पत्ता होता है हम पहले भी रखना में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति
बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउ छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है ऐसा नहीं करता है। आजकल के जमाने में तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा है, तो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बेसन तो छोड़ दो, पर थोड़े दिन छूटता है वापिस वो उस बेसन में लग जाता है। तो हम पहले भी तथा हो पाए समिकी के रक्षे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पैर के नीचे पूजन कर बनाया दे रहा है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर 3 दिन तक खिला देता है, 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में दुख नहीं होगा। ये निश्चित कोई बहुत भारी रोग और ऐसा भारी रोग हो कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा और ये जांच के लिए मुंबई भेजी जाएंगे, तो हो सकता है कि कैंसर की आशंका है या रोग बड़ा प्रबल है, छूटना नहीं हो ऐसा लग रहा है, अपने को लगता है कि शरीर में भी गांठ हो गई हो, कुछ छूटना नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है, तो शिव उड़ा रहे हैं। प्रदोष ये दिन है शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष स्थान में शिवलिंग का निर्माण करे और शिवलिंग का निर्माण कर उस पर 11 विलात समर्पित करे, शमी के पत्ते समर्पित करे, 5 लो शंकर भगवान को समर्पित करे, संपूर्ण पूजन करे, दिया लगाए, पूजन करे, अनुष्ठान करे, अभिषेक करे, जो 11 बेलपत्र समर्पित करी उसको लेकर आए और उस बेलपत्र को खाने के बाद भले वो काट शरीर की फिर भले जाए चेत होने के लिए, कोई रोग हमारे शरीर में आ नहीं सकता, कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। प्रदोष काल का दिया दया दान, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया दया पुण्य, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया दया सत्कर्म, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया दया पुण्य, क्षीण नहीं होला, समाप्त नहीं हो। प्रदोष शिवरात्रि सोमवार, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2-3-4-5 पड़ी जाती है, सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आता है। सोमवार प्रदोष शिवरात्रि सोमवार की अष्टमी ये वो तिथियां हैं, ये वो बार है, अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। श्री शिवाय नमस्ते दर्शकों, हर हर महादेव, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने इस वीडियो में पार्थिव शिवलिंग का पूजन विसर्जन कैसे करें यह विशेष उपाय बताए हैं। आप सभी लोग दोस्तों, हर हर महादेव, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छे उपाय के बारे में जानिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें।